सत श्री अकाल PNCN देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। जिवें कि बसों के COVID-19 के दौरान लोगों की सुरक्षा स्थाई बनाने के वास्ते वक्खो वक्खरे कदम चुके जा रहे हैं, तो ट्रांसलिंक ने इस बारे जानकारी दी है कि वह एक नवा कदम चुकन जा रहे हैं, जिस दे नाल जो बसों के हवा है उसनू शुद्ध करन दे वास्ते तकनीक की वरतों की जाएगी। इस दे लई फोटो कैटालिटिक सिस्टम नू टैसट किया जा रहा है ट्रांसलिंक दे वल्लों, जिस दे लई जो 60 फुट की बस है उन्हां दी इक ते दो डबल डैकर बसिस ने उन्हां दे विच एक महीने दे वास्ते टैसटिंग की जा रही है ताकि हवा नू शुद्ध रखण दे वास्ते मदद मिल सके। जिस दे लई कोस्ट माउंटेन बस कंपनी के प्रेजिडेंट माइकल मैकडैनियल दे वल्लों भी बयान जारी किया गया, जिन्हां कहा कि इस सिस्टम की वरतों पहला तो कई थावां दे उत्ते हुंदी है। दरअसल यंत्र हुंदा है जिस दे नाल हवा नूं शुद्ध रखण दे वास्ते काम किया जांदा है, ते पहला तो कई एयरपोर्ट्स दे उत्ते कई दफ्तरां दे विच ते कई होटल ते रेस्टोरेंट्स दे विच इस सिस्टम नूं वरत्या भी जा रहा है, जिस दे उत्ते हुण बसां दे विच इस नूं वरतण दी गल कही गई है। दरअसल COVID-19 दे करके लोकां दी सुरक्षा नूं स्थाई बनाउण दे वास्ते जो सैनिटाइजेशन ते नाल ही मास्क पाउणा ते होर जो हदायतां लागू कीतियां गईआं बसां दे विच, तां उसे दा इस नूं हिस्सा दस्या गया कि जो ऐलान किया गया सी मई 2020 दे विच के बसां दे विच यात्रियों की सुरक्षा नूं स्थाई बनाउण दे वास्ते वक्खो वक्खरे कदम चुके जाणगे, तां उसे नूं लैके हुण एक नवा कदम चुकिया जा रहा है जिस उत्ते इस समय टैसटिंग चल रही है। तो इस बारे ट्रांसलिंक दे वल्लों जो जानकारी दित्ती गई है उस मुताबक जो बसां दे सरफेस ने ते नाल ही जो बसां दे विच हवा है उसनू शुद्ध करन दे वास्ते ने यंत्रां दी वरतों की जा सकती है। Active air treatment system. So we're going to put onto a couple double deckers as well as one of the articulated 60-foot buses. And really it's going to be just another part of how to keep people safe. The UVC light helps to produce hydrogen peroxide, which is then distributed throughout the air system. So air comes in, it picks up the hydrogen peroxide, very low levels, gets distributed throughout the bus, and it's actively treating the air and the surfaces constantly. As many people already know, there's a number of efforts we've already put in place, mandatory masks or daily disinfection, just efforts to keep both the public safe and our operators. We want to look at what technologies are out there and see are they viable in transit and do they have a place in CBC to help improve our sanitization efforts. Some airports have used it. So from that, we kind of see how can we adapt it to maybe, is it something that can be benefit to transit? And so that's really what we want to look at. During the trial, we'll be doing swabbing on surfaces to check overall sanitization and see do we find any measurable improvement with the equipment and how well is it working on different bus types perhaps and all the little details of how it functions.